नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा24। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की बहरोड में होने वाली गौरव यात्रा को लेकर जयपुर रेंज आईजी वीके सिंह ने बहरोड स्टेडियम का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, एसपी राजेंद्र सिंह भी साथ थे। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से हेलीपैड को लेकर भी दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि 22 सितंबर को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भैरोड आएंगे। स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान एएसपी मनीष त्रिपाठी, डीएसपी कुशाल सिंह, एसएचओ वीरेंद्र यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का सोडावास पुलिस चौकी के पास कांग्रेस नेत्री कविता यादव ने तलवार भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भंवर जितेंद्र सिंह को साफा व माला पहनाकर स्वागत भी किया। वहीं ग्रामीणों ने उनके सामने स्थानीय को टिकट देने की मांग भी रखी। के लिए गुजर रहे थे और हम सब ने मिलकर पूरे अपने मुड़ा और वासियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया और मांग रखी कि बाहर से नहीं आना चाहिए कोई हमारे लोकल को टिकट, जो 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं उनको ही टिकट मिलनी चाहिए। ऐसा हमारे सब लोगों ने, ग्रामवासियों ने, हमारे कांग्रेसियों ने उनसे प्रार्थना की। भंवर जितेंद्र। राजस्थान महाविद्यालय जयपुर में निर्दलीय प्रत्याशी रहे रविंद्र महलावत के अध्यक्ष पद पर विजयी होकर अपने पैतृक गांव जाट बहरोड पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। वहीं महलावत ने लोक देवता बाबा भगवान दास के मंदिर जाकर धोक देकर पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। मैं रविंद्र महलावत राजस्थान महाविद्यालय से 2018 चुनाव विजय हुए हैं। मेरा गांव जाट बहरोड, जहां पर मेरा यहां आने पर बहुत अच्छा स्वागत, बहुत अच्छा प्यार मिला मेरे को ऐतिहासिक जीत के कारण, और बहुत ही अच्छा मान सम्मान दिया लोगों ने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहरोड क्षेत्र के अनेक गाँव में ढीले विद्युत तारों से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण भारी दुर्घटना होने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं गांव ढिस, अजमेरीपुर, कारोड़ा, दूनवास, नालपुर सहित आधा दर्जन गांव में बिजली ट्रांसफार्मर भी जमीन से कम ऊंचाई पर रखे हैं, जिससे भी दुर्घटना की समस्या बनी रहती है। ग्रामीण सुंदरलाल चौधरी ने अधिकारियों से इन समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे रा24। नमस्कार।